कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के मामले में काफ़ी आगे चल रहे ब्रिटेन से भारतीयों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। ब्रिटेन के कोरोना टीकाकरण के वास्तविक आंकड़ों से ये पता चला है कि ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाने मात्र से मरने वालों की संख्या में 80% की कमी आई है। यह वही वैक्सीन है जिसे भारत में बड़े पैमाने पर कोविशील्ड के नाम से लगाया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के विश्लेषण से पता चला है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के मात्र एक डोज से मौत का आंकड़ा 80% तक कम हो जाता है। वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन के दो डोज से मौत का खतरा करीब 97% तक कम हो जाता है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने इस आंकड़े की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि वैक्सीन इस महामारी से बचाव में बेहद कारगर है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का अनुमान है कि अब तक कोरोना वैक्सीन लगाए जाने से 10,000 जिंदगियों को बचाया जा सका है। ब्रिटेन की 1,80,00,000 की आबादी में से हर 3 में से एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इससे ब्रिटेन में संक्रमण, मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने और मौतों का आंकड़ा काफी कम हो गया है। इस शानदार सफलता के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि सरकार कोरोना वायरस को लेकर जारी प्रतिबंधों में अब ढील देने पर विचार कर रही है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने कहा कि उसने इन आंकड़ों को जारी करने से पहले इंग्लैंड में 50,000 लोगों के दस्तावेजों की जांच की थी। ये लोग दिसंबर से अप्रैल महीने में कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इनमें से 13% लोगों को फाइजर का एक डोज और 8% लोगों को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का एक डोज दिया गया था। इस विश्लेषण से पता चला कि दोनों में से प्रत्येक वैक्सीन के मात्र एक डोज ने मौत की संख्या को करीब 80% तक कम कर दिया। यही नहीं, कोरोना वैक्सीन लगवाने से अस्पताल में भर्ती कराए जाने के मामले में भी भारी कमी आई है। यह आंकड़ा भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है जो इस समय महामारी के कहर से जूझ रहा है। भारत में अब 18 साल की उम्र तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि ब्रिटेन में 40 साल से कम उम्र के लोगों को सलाह दी गई है कि वे ऑक्सफोर्ड की जगह किसी और वैक्सीन को लगवाएं। बताया जा रहा है कि खून का थक्का जमने के मामले के सामने आने के बाद ब्रिटेन ने यह सलाह दी है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।